हेलो दोस्तों, जैसे कि कहते हैं काशी नगरी मोक्ष की नगरी, तो यहाँ पे एक मोक्ष भवन भी बना हुआ है जिसे वैद्यनाथ भवन भी कहते हैं। ये बहुत ही भव्य और इतना अच्छा बना है, यहाँ पे सारी सुविधाओं के साथ बुजुर्गों को रखा जाता है। वो बुजुर्ग भी आते हैं जिनकी अपनी ही औलादें अपने माँ बाप को नहीं रख सकती, और कुछ अपनी इच्छा से भी आते हैं। आज आप सबको हम उनसे मिलवाते हैं। हाँ, कई लोग खुशी से आए, कई के बच्चों ने छोड़ दिया है, बच्चे केयर नहीं कर रहे हैं। मतलब है ये कल्पना जी है जो तारा संस्थान चलाती है, ये इनके फादर नारद से संस्थान और ये इनकी मदर कल्पना जी की। ये इन्हीं का है। हाँ, बहुत अच्छा काम है इनका। ये पूरा ये वैद्यनाथ भवन जहाँ पे सारे बुजुर्ग रहते हैं, निःशुल्क सेवा होती है और बहुत अच्छी सेवा होती है। यहाँ पे फ्री खाना पीना रहना कपड़े सब चीज़ के लिए हर सुविधाओं का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। उठो और शुक्रिया करो भगवान का जिसने एक और सुबह दी है। हर हर महादेव। 5 महीने से रह रही हूँ। हाँ, ये 5वां महीना स्टार्ट है। 16 तारीख आया था, 5 महीना। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए। सच में यहाँ तो जो आया उतर गया। शांति, सबसे बड़ी चीज है शांति, सुकून जिसको कहते हैं। इस भवन को मुमुक्ष भवन भी कहते हैं। मैनेजमेंट कमलेश जी के द्वारा सारा यहाँ पे इंतजाम देख रेख होती है बुजुर्गों की, और सारी सुविधाएं दवाई हर चीज की सुविधा का प्रबंध वो करते हैं कमलेश जी। अभी 25 बुजुर्ग है हमारे पास में, 40 बेड यहाँ पे टोटल है, जिसमें 15 बेड अभी हम जिन बुजुर्गों को रखते हैं उनकी एज 65 होना चाहिए, और 65 प्लस वाले 3 महीना, और 70, 80, 90, 95 साल की एज वाले की कोई लिमिट नहीं है। जब तक सांस चल रही तब तक वो रह सकते हैं। यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री सेवा है ये। अच्छा, हॉस्पिटल? सर हॉस्पिटल डॉक्टर साहब आते हैं कॉल अच्छा, करने के बाद में किसी को जैसे तकलीफ हुई, और मेडिसिन एनी टाइम हमारे पास उपलब्ध है, नर्सिंग स्टाफ एनी टाइम है, केयर टेकर भी 24 घंटे हैं जी। हाँ, खाना बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है यहाँ पे, और मेन क्या है कि 25 लोगों में से शुगर किसी को भी नहीं है। जी हाँ, बीपी सभी का नॉर्मल है, सब हेल्दी हैं, सब हेल्दी है। अपनी खुशी से आ गए सब। हाँ, कई लोग खुशी से आए, कई के बच्चों ने छोड़ दिया है, बच्चे केयर नहीं कर रहे हैं। वही हम पूछ रहा, मैंने वृद्धाश्रम बहुत देखे पर इतना बहुत अच्छा ये बना है। हाँ, आप एक बार है ना, हमारे एक तारा संस्थान उदयपुर राजस्थान से है। हाँ जी। वहाँ पे हमारे 3 वृद्धाश्रम है और एकदम VIP तरीके के हैं। ऑनलाइन भी आप सेवा कर सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। कैश भी दे सकते हैं, जैसा आपको लगे आप घर बैठे भी यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं सेवा के लिए। आप सभी सेवा के लिए कभी भी डोनेट करना है, तारा संस्थान उदयपुर राजस्थान वालों का ये मुमुक्ष भवन है। मुमुक्ष भवन में यहाँ 25 लोग हैं, तो सहयोग करें सब लोग जिससे कि ये और अच्छा हो और बेड बढ़े, लोगों की सेवा होती रहे। का अंतिम संस्कार करनी का घाट, मणिकर्णी का घाट है, वहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया जाता है अगर कुछ बात हो जाए। हाँ जी, अभी हमारे यहाँ पे 2 बुजुर्ग एक्सपायर हुए हैं, तो जिनमें से एक इंदौर के थे और एक कर्नाटका मैसूर के थे। तो मैसूर वालों को तो हमने फोन किया था रिलेशन में, तो वो नहीं आए, तो उनकी सिस्टर थी यहाँ पर, तो उन्होंने हमारा हमने उनका सहयोग किया और फिर बढ़िया से उनका रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। बहुत अच्छा काम है आपका। बस इसमें कि कुछ भी चार्जेस नहीं लेते हैं, किसी का भी अंतिम संस्कार भी करना हो जो भी खर्चा आएगा पूरा हमारी संस्था तारा संस्थान ही खर्चा उठाती है। एक्चुअल में यही सेवा होनी चाहिए जी। ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे टेबल चेयर लगी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब के लिए यहाँ पे सब बुजुर्ग नीचे आते हैं, लिफ्ट लगी है लिफ्ट से नीचे आते हैं, और इधर साइड में लिविंग एरिया है जहाँ पे बैठ के आप न्यूज़पेपर या आप ऐसे भी गॉसिप कर सकते हैं। राम राम अंकल जी। नमस्ते, ठीक है? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा। आपको देख के आपका क्या नाम है? चंदूलाल। चंदूलाल, चलिए बाबा की नगरी में है आप तो। कहाँ से आए? बॉम्बे। अरे वाह,
बम्बई से यहाँ आपके देखिए बम्बई अहमदाबाद दोनों जगह। अच्छा अहमदाबाद, अहमदाबाद में इनकी बेटी है। पहला उदयपुर में था, रहा आश्रम में था, फिर यहाँ से यहाँ आया। अच्छा ये हमारे अंकल जी जो यहाँ रह रहे हैं, ये बॉम्बे से आए हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि बाबा की नगरी है, तो सारा दिन बाबा की नगरी में अगर रहेंगे तो अच्छा तो लगेगा। अच्छा लगेगा। यहाँ सबके ऊपर आने जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी है। अब हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे व्रत लोग हैं जो आज उनसे मिलवाते हैं आप सबको। नमस्ते। राम राम आंटी। राम राम। ये माता जी मैसूर कर्नाटक से हैं। अच्छा। ये माता जी मैसूर से हैं। अच्छा। नमस्ते। ये लखनऊ से है, कविता जी नाम है इनका। लखनऊ, हम आपके बगल कानपुर के हैं। अरे वाह। लखनऊ। कानपुर में किस क्षेत्र के हैं? कानपुर में हम किदवई नगर के हैं। किदवई नगर है? हाँ, कोई है? कोई है? हाँ थे, अब तो नहीं है। अच्छा, कौन बताइए? हमारे मासा जी थे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया, फिर डेथ हो गई उनकी। और कोई बच्चे? बच्चे जहाँ जहाँ सर्विस है वहाँ। अच्छा, नगर तो बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है। बारा देवी सुना है? हाँ, बस वही पास के हम बारा देवी मंदिर के पास। घूमने गए मंदिर में। फिर आइएगा, फिर आइएगा हमारे यहाँ। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, तो जरूर। हमारे पड़ोसी मिल गए। चंदौली, ये भी तो हमारे पास के ही है। हाँ, हमें तो पता नहीं था, आप सब हमारे वही के आसपास। जी भी है, इनके हस्बैंड भी है यहीं पे। अच्छा, दोनों हमारे हस्बैंड दोनों है यहाँ पे। अच्छा, वो टहलने गए होंगे? हाँ टहलने गए हैं। इधर ये माता जी इलाहाबाद के पास में। अच्छा, गांव में वहाँ से हैं सब हमारे? नहीं, खास इलाहाबाद में, खास इलाहाबाद और एक घर गोस्वामी में, वो भी देहात है थोड़ा, वहाँ खेती बाड़ी। अच्छा, बहुत बढ़िया। वॉशरूम गई है? नहीं, टहलने निकली है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। और इधर बुजुर्ग है, दादाजी बैठे हैं, वो बैठे। राम राम। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, आराम कर रहे थे? एज भी है तो जो है। अरे सबसे अच्छा, आपकी सब आपके साथी यहाँ पे हैं, कितना बढ़िया आपके लिए। तो ऐसे तो घर में टाइम पास नहीं होते, बच्चे निकल जाते हैं। बहुत अच्छा है ये तो। वो उधर सो रहे हैं। बाबू जी क्या हुआ, तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? चलिए, क्या हो गया, बुखार उखार है? अच्छा, भी 90 साल की एज है। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, आप तो मस्त हैं। राम राम। ये बाबूजी भी बिहार से ही है? कहाँ से हैं आप? बिहार गया। कहाँ कहाँ से हैं? सब बढ़िया, नगरी में आए आप लोग? हाँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए। सच में यहाँ तो जो आया उतर गया। बस कैसा लगता है आपको यहाँ पे? बहुत सुंदर लगती है। वो आपको इनकी बातों से पता चल रहा है कि कितने अच्छे ढंग से रखते होंगे सबको। हाँ, बहुत शांति, सबसे बड़ी चीज है शांति, सुकून जिसको कहते हैं। आपकी उम्र तो कम है मुझे लग रहा है। जी 68। राम राम। ठीक है आप? तबीयत ठीक है? आप कहाँ से? आज ही घर थे, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से? अच्छा, 10-15 दिन के लिए घर गया था। अच्छा, अभी गए होंगे। चलिए बढ़िया, यहाँ तो मजे से। हाँ यहाँ बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत, मुझे तो खुद अच्छा लग रहा देख के। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे लग रहा था कि आप 62 और मेरा 60। मेरा नाम रोहिता ऋषि है, रोहिता। फिर आएंगे अगले साल या जब भी आए, आप लोग से जरूर मिलने आएंगे सबसे। राधे राधे। 13 साल से आप सेवा कर रहे हैं? मैं 13 साल हो गया है मेरे को। यहीं पे रहते वैसे आप? हाँ मैं यहीं रहता हूँ, मेरा परिवार तो दिल्ली में है। अच्छा, वो हाँ मेरी ज्वाइंट फैमिली, ब्रदर लोग, उनका परिवार सब, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है, मतलब परिवार को छोड़ के आप यहाँ सेवा कर रहे हैं। बच्चे सेवा बड़ी किस्मत से मिलती है, किस्मत से मिलती है। बाबा के दरबार में रहना करने की सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए। जी हाँ जी हाँ। माता जी थी?
अच्छा ये वाले हाँ। ये बहू जी गोपाल जी बहू जी है श्रीवास्तव जी। अच्छा नमस्कार राम राम। अच्छा आप लोग नीचे आए होंगे टहलने टहलने पेपर पढ़ने। अच्छा घूमने जाएंगे थोड़ा घूमने जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। कल तो मोदी जी आ रहे हैं। हाँ कल मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग को मिलेगा आराम से देखने को कि नहीं? देखिए अभी योगी जी भी आए थे। हाँ देखिए इसके उद्घाटन के समय में योगी जी आए थे। सभी का बुजुर्गों का सम्मान भी किया उन्होंने और ये इनकी फोटो देखी। सभी बुजुर्गों का सम्मान किया था। तीन बाबू जी से मिलते हैं। ये ऊपर जो लेटर 90 है ये भी है और 90 वाले भी है। बाकी इनमें से ये बुजुर्ग बैठे हैं इनसे भी मिल चुके हैं आप। जी हाँ। तो ये कल्पना जी है जो तारा संस्थान चलाती है। ये इनके फादर नारायण सेवा संस्थान और ये इनकी मदर कल्पना जी की। ये इन्हीं का है। बहुत अच्छा काम है इनका। ये पुराना तारा। इस नेक कार्य की शुरुआत करके आपने हम सभी को बहुत ही उज्ज्वल भविष्य दिखाया। तो आप ही से मिले हम लोग। हाँ आपने बहुत अच्छा बताया। हम लोग को अंदर भी मिला। आप तो चल रहे थे वहाँ तक चले गए। हाँ मैं तो सामान जमा था हमने सोचा चले जाए। ये सुन रहे थे मेरे हस्बैंड की जब बता रही थी। चलिए नमस्ते भाई फिर मिलेंगे आपसे जब भी आएंगे जरूर आएंगे हम लोग यहाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नमस्कार। मेरा आप सभी से निवेदन है जब भी आप काशी आते हैं बाबा के दर्शन करने तो गेट नंबर 1 की साइड में लेफ्ट साइड में ही रास्ता जाता है मोमोक्ष भवन वैद्यनाथ भवन के लिए जो वृद्धा आश्रम है। वहाँ कुछ देर के लिए आप अपना समय उनके साथ भी बिताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।